उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं स्कूल ऑफ साइंसेस से डॉक्टर दीपा चौबे। पिछले लेक्चर में UZY 102 का Unit 1 Unit 2 ये कंटिन्यूएशन में चल रहा था। देखिए, आज हम आपको पिछला जो आप देखे होंगे पिछले लेक्चर में Unit 3 के में जनरल Module 1 और Module 2 दो में डिवाइड किया था। Unit 3 को Module 1 एंड Module 2 दो पार्ट में डिवाइड किया था। Module 1 में हम आपको पोरीफेरा और इसके साथ साथ नीडेरिया के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। पूरी तरह से इसका डिटेल आपको बताया जा चुका है। Module 2 में आपको टीनोफोरा के बारे में पिछले लेक्चर में आपको डिटेल बताया जा चुका है। इसके साथ साथ अब हम आज जो आपको स्टार्ट करेंगे वो प्लैटीहेलमिंथिस एंड निमेटोडा के बारे में बताएंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्लैटीहेलमिंथिस निमेटोडा तो आपका Module 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। Unit 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको हमने पूरे लेक्चर को दो में डिवाइड किया था, Module 1 एंड Module 2। तो दो टॉपिक इसमें रह गए थे, प्लैटीहेलमिंथिस एंड निमेटोडा। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथिस, तो प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस फाइलम की क्या खास बात होती है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो इसके पीछे जितने भी आपने फाइलम पढ़े होंगे, पोरीफेरा है, सीलेंटेटा है, किसी में आपने पढ़ा होगा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी का आपने देखा होगा टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लगते हैं। और इसके साथ साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते ही ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक एक करके आपको हम डिटेल बताते हुए चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, पहला आप देखिए फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैराइन, सॉफ्ट बॉडी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। अभी हमने आपको बताया जर्म लेयर में क्या होते हैं, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, और इसके साथ साथ मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, ए सीलोमेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे ए सीलोमेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें दिया है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बता दें कि ए सीलोमेट क्या होते हैं। आपको हमने इसके पहले लेक्चर पे ये बता चुके हैं कि स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट एंड ट्रू सीलोम किसमें प्रेजेंट होता है। तो जो एसिलोमेट होते हैं वो आपका प्लैटीहेलमिंथिस में होता है, और इसी के साथ साथ जो हम आपको एसके हेलमिंथिस पढ़ाएंगे उसमें क्या, उसमें जो सीलोम प्रेजेंट होता है वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद जब आप एनिलीडा आर्थोपोडा इस फाइलम में पहुँचेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। तो सीलोम को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ये हम आपको पिछले लेक्चर में पूरी तरह से अच्छे से डिटेल बता चुके हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से प्रेजेंट है, इसमें फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो फ्लेम सेल प्रेजेंट है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और लैडर लाइक होता है। अब इसमें एक चीज़ समझने की है कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि अभी हम आपको डायग्राम के साथ में बताते हैं। हर्माप्रोडाइट्स एनिमल्स होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन इज जनरली क्रॉस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स और इनडायरेक्ट। अब हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि लैडर लाइक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो किस टाइप से होता है।
ये देखिए, इस ये आपस में नर्व कॉर्ड है, इस ये जुड़े रहते हैं किससे, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये इसका, सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन से जुड़े रहते हैं, और बीच में दो ये क्या प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड। CORD नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ ये ट्रांसवर्स इस तरीके से सेक्शंस लगे रहते हैं, ये सीढ़ी की तरह से दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नर्वस सिस्टम होता है, हम कहते हैं कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, इस स्ट्रक्चर की तरह से ये होते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल प्लेनेरिया, इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लैटीहेलमिंथेस, प्लैटीहेलमिंथेस को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। तो टर्बुलेरिया का एग्जांपल आप देखेंगे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में इसकी खास बात ये होती है कि कैसे होते हैं ये, फ्रेश वाटर में रहते हैं ये और सी में रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं फ्रेश वाटर और एंड या फिर सी में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, यानी माउथ एंड एनस की अलग अलग ओपनिंग नहीं होती, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ट्रेमेटोडा, ट्रेमेटोडा में आप देखेंगे एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं। देखिए टर्बुलेरिया क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग्स, फ्री लिविंग होते हैं, टर्बुलेरिया फ्री लिविंग, और ट्रेमेटोडा एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं, और जो सेस्टोडा होते हैं वो टोटली एंडो पैरासाइट्स होते हैं। आपने देखा होगा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि टीनिया सोलियम टोटली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, जो कि मैन के इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं और कई तरह की डिजीज कॉज करते हैं। प्लेनेरिया का एक डायग्राम देखिए, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक। अगर हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक के साथ साथ फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग। अगर हम इसका और आगे स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या चीज हमें दिखाई देती है, एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देती है, जो इनकम्प्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। तो इसमें इसके पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग होते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, और ऊपर जो ये आई लिखा है बेसिकली क्या होता है, आई स्पॉट, आई स्पॉट प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो बाय फ्रेगमेंटेशन और फिजन,
फ्रेगमेंटेशन और फिजन, ये होते एसेक्सुअल। फिजन में क्या होगा कि एक से दो इस तरीके से पार्ट डिवाइड होकर के, दो प्लेन एरिया डिवाइड होकर के बन जाते हैं, और फ्रेगमेंटेशन में इस तरीके से अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं तो जितने पार्ट होते हैं उतने प्लेन एरिया फॉर्म होता बनते हैं। इसी तरह से ये फैसियोला का है स्ट्रक्चर, ओरल सकर प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, गोनोपोर है, एसिटेबुलम नीचे की तरफ, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम क्या होते हैं, टोटली पैरासाइट्स होते हैं। जैसे आपने देखा ना कि टर्बेलिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो टर्बेलेरिया क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं ये, और ये क्या होते हैं, टोटली पूरी तरह से ये पैरासाइट्स होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो इसमें ऊपर की तरफ यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्कॉलेक्स है, सॉरी ऊपर की तरफ स्कॉलेक्स है, उसके नीचे नेक प्रेजेंट है, प्रोग्लॉटेड, इसमें तीन तरह के प्रोग्लॉटेड दिखाई देते हैं, इमैच्योर प्रोग्लॉटेड है, इमैच्योर प्रोग्लॉटेड, मैच्योर प्रोग्लॉटेड एंड ग्रेविट प्रोग्लॉटेड, तीन तरह के प्रोग्लॉटेड इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी होस्ट इसका मैन है और सेकेंडरी होस्ट इसमें पिग होता है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं, सकर के सकर एंड हुक्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ये पूरी तरह से इंटेस्टाइन को पकड़े रहते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे ग्रेविट प्रोग्लॉटेड जहां पे लास्ट में का है ये आप देख रहे हैं, यहां पे एक टर्म आता है एपोलाइसिस, एपोलाइसिस एपोलाइसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ द सेगमेंट्स। ये देखिए ये सेगमेंट्स बनते रहते हैं ना, धीरे धीरे ये सेगमेंट्स हटते जाते हैं, रिमूवल ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड द एपोलाइसिस। तो तीन तरह के प्रोग्लॉटेड इसमें प्रेजेंट हैं, इमैच्योर प्रोग्लॉटेड, मैच्योर प्रोग्लॉटेड एंड ग्रेविट प्रोग्लॉटेड। देखिए टीनिया सोलिया में बॉडी इसकी सेगमेंटेड दिखाई देती है, और एनिलीडा की भी बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन दोनों के सेगमेंट्स में अंतर होता है। ठीक है, एनिलीडा की बॉडी एनुलस यानी रिंग लाइक मेटामेरिकली सेगमेंट्स होते हैं, जबकि इसके सेगमेंट्स होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंट्स नहीं होते। इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं ये लास्ट वाले सेगमेंट्स धीरे धीरे क्या होते हैं, रिमूव्ड होते जाते हैं और नए सेगमेंट्स इसमें बनते जाते हैं, प्रोसेस कहलाती है इसकी एपोलाइसिस। अब हम आते हैं निमेटोडा पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द निमेटोडा। तो निमेटोडा में आप देखेंगे ये भी फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक होते हैं, बॉडी इसकी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, टैपरिंग एट द बोथ एंड, दोनों साइड पे टैपरिंग होते हैं, बॉडी शो बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक से यहाँ पे वही मतलब है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है, और सीलोम इसका स्यूडो सीलोमेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। पिछले टर्न पे हम आपको पिछले लेक्चर पे बता चुके हैं कि स्यूडो सीलोमेट क्या होता है, इसका डिटेल हम आपको बता चुके हैं कि ए सीलोमेट क्या होता है, स्यूडो सीलोमेट कैसे होते हैं, किस टाइप से कैसे बनते हैं ये,
किस लिए इनको स्यूडोसिलोमेट कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होना। बॉडी वॉल में क्यूटिकल आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर में, मिडिल लेयर इसका एपिडर्मिस, और इनर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं अरेंज्ड इन द फोर सेक्टर, जो कि डायग्राम के साथ में आपको देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, जबकि आपने प्लैटी हेलमिंथिस में देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होता है, यानी माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग नहीं पाई जाती, सिंगल ओपनिंग होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, यानी माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एच शेप्ड कैनाल रूप में होती है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सेक्स सेपरेट होता है विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल, क्रॉस एंड इंटरनल, स्पर्मेटोजोआ, अमीबॉइड नेचर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड रीजेनरेशंस प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, फॉस्मेडा एंड ए फॉस्मेडा, जिसमें कि ए फॉस्मेडा में कॉडल सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और दूसरे में कॉडल सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ए मींस वैसे भी एब्सेंट, ए फॉस्मेडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है और दूसरे फॉस्मेडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप प्रेजेंट होते हैं। कॉडल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और दूसरे कॉडल ग्लैंड इसमें एब्सेंट पाई जाती है। इसका एग्जांपल में अगर हम देखें एस्केरिस, देखिए एस्केरिस मेल एंड फीमेल एस्केरिस है। फीमेल एस्केरिस में देखिए साइज में कैसे हैं, ये लॉन्गर, साइज में मेल एस्केरिस की अपेक्षा साइज में बड़े हैं, और जो इसका मेल एस्केरिस है ये कैसे है, स्मॉलर। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें तो पोस्टीरियर टेल कर्व है और उसमें फीमेल में पोस्टीरियर टेल स्ट्रेट है, पोस्टीरियर टेल कर्व एंड पोस्टीरियर टेल पोस्टीरियर टेल स्ट्रेट है ये, ये देखिए यहां पे कर्व है। और अगर हम दोनों में डिफरेंसेस देखें तो क्लोइका प्रेजेंट है, यहां पे देखिए इसमें क्लोइका प्रेजेंट है, क्लोइका प्रेजेंट एंड इसमें देखिए क्लोइकल एब्सेंट। तो ये डिफरेंसेस है, साइज में भी बॉडी स्ट्रक्चर इसका टोटली स्मॉल साइज के हैं, फीमेल जो है इसमें लॉन्ग साइज के हैं, पोस्टीरियर एंड इसका कर्व है, उसका पोस्टीरियर एंड क्या है, स्ट्रेट है, क्लोइकल ओपनिंग प्रेजेंट है, उसमें क्लोइकल ओपनिंग एब्सेंट है। और इसमें एक चीज और हम देखें तो प्लैटी हेलमिंथिस से एक डिफरेंसेस और हम यहां पे देख सकते हैं, इसकी बॉडी में क्या है, यहां सेगमेंट्स दिख रहे हैं, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है,
जबकि आपने प्लेटी हेलमिंथिस देखा तो प्लेटी हेलमिंथिस की बॉडी में आपको क्या दिखाई दिया कि कुछ तो सेगमेंटेशन, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कुछ में सेगमेंटेशन होता है, कुछ में सेगमेंटेशन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये टोटली कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, सेगमेंटेशंस नहीं पाए जाते हैं। स्यूडोसिलोमेट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बता चुके हैं पहले भी आपको, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। जो मेल एंड फीमेल एस्केरिस में हमने आपको बताया, तो इसके साथ साथ अब देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस में जो क्वेश्चन होता है, देखिए आपके जो कोर्स है, कोर्स में डिटेल किसी भी जीनस के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, जीनस के बारे में पूरी डिटेल स्टडी नहीं करना, जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड द क्लासिफिकेशन, जितना हमने आपको बताया ना, जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, बस इतना ही आपकी कोर्स में है। अब जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटी हेलमिंथिस, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एसके हेलमिंथिस। ठीक है, किसी अब इसका एस्केरिस ऐसा नहीं है, सिर्फ हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि इसका ये एग्जांपल होता है, ये फीचर्स होते हैं, लेकिन एक भी एक जीनस को पूरी डिटेल आपको स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके कोर्स में करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड द क्लासिफिकेशन ही पूछा गया है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स आप बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे प्लेटी हेलमिंथिस में हमने आपको बता दिया टर्बिलिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा, तीन में डिवाइड किया गया है। टर्बिलेरिया देखिए फ्री स्विमिंग, टोटली फ्री होते हैं, जबकि ट्रिमेटोडा एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं, सेस्टोडा कम्प्लीटली पैरासाइट्स होते हैं। अब इसमें शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया या टिक करने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा ऐसा इसका जीनस ऐसा बताइए, टर्बिलिया का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि फ्री स्विमिंग फॉर्म में होता है, तो आप उसका दे दिया ट्रिमेटोडा सेस्टोडा, इसके ऑप्शंस दे दिए कि किस में आप टिक करोगे, किस क्लास का, कौन सा ऐसा, कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें कि इस तरह के चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि टोटली पैरासाइट्स कौन सा होता है, टर्बिलिया ट्रिमेटोडा सेस्टोडा टोटली पैरासाइट्स कौन से होते हैं, तो उसमें टिक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपने एसएलए में देखिए जो बीच बीच में क्वेश्चंस ऐसे क्यों दिया रहता है, तो ऐसे क्यों में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या लास्ट में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि आप अच्छे से इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो आपको हमने शुरू से अगर स्टार्टिंग से देखें तो प्रोटोजोआ का करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ाया, पोरीफेरा का पढ़ाया करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, सीलेंटेटा, नीडेरिया, प्लेटी हेलमिंथिस, टीनोफोरा बीच में एक बताया आपको, प्लेटी हेलमिंथिस बताया, जनरल करेक्टर्स क्लासिफिकेशन, इसी तरह से एसके हेलमिंथिस का बताया। अब जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा न्यू यूनिट्स, दूसरी जो नई यूनिट हम आपके स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें आपका एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, इतना जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।